कहीं आप ये गलती मत कर बैठना जैसा इस कस्टमर ने इग्नोर किया और गलती कर बैठे। सिर्फ छोटी सी लापरवाही और इंजन पूरी सीज। आज सही में बहुत सारे लोगों का इंजन बच ना जाए तो कह देना कि मुकेश भाई ना कोई बात कर रहे थे। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोड नोएडा भारत से, और ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2020 का मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है। और भाई साहब इसका इंजन सीज होते होते रह गया, बस प्रभु की कृपा है मान लो, या उन्होंने दिखा दी, लेकिन वो तो बच गया इंजन लास्ट। हाँ, बस समय पे डॉक्टर के पास दिखा लिया तो बच गया। आइडल पे आवाज बिल्कुल भी नहीं है, आइडल पे वो लाइटें बिल्कुल भी नहीं है। अब चला के देखते हैं। आई चली गई, ऐसा नहीं है कि रेस छोड़ने पे आई है, रेस देने आई चली गई। आ गई, आई, यानी लेफ्ट काटने पे आती है, कोई भी साइड काटने पे आ रही है। ये देखो आई चली गई, यानी कि कटाई पे जाने के बाद से आती है चली जाती है। तो ये लाइटें हैं, अब मैं आइडल पे रोकता हूँ गाड़ी को पहले। अभी जो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखो आइडल पे है, ठीक है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। ये देखो कौन सी लाइट आती है वो देख लो आप, ऊपर वाली जो लाइटें हैं ऑयल की, वो वाली लाइट आती है, ठीक है, चलते टाइम है, बस बंद में नहीं, खड़ी में नहीं। सारी लाइटें चली गई, अब मैं इसको गाड़ी को चलाता हूं, चलने में आ रही है सिर। अब यहां कटाई करूंगा, लेफ्ट राइट करूंगा तो यहां आने के चांसेस हैं। ये देखिए आ गई चली गई, यानी कि रेस देने में ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि रेस छोड़ने में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम 7 दिन से इग्नोर कर रहे थे कस्टमर, 7 दिन से। अब मैं इसको गैराज पे लेके चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ये लाइट कब आती है, जब ऑयल का प्रेशर इंजन को नहीं मिलता है, ऑयल का प्रेशर इंजन को नहीं मिलेगा तब ये लाइट आती है। और ऐसे में हम इग्नोर करते जाएं तो हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो पूरी तरीके से सीज हो जाए। हम चेक करने वाले हैं इसका कि आखिर क्या पंगा है, दिखाओ जरा। एक खटर पटर नहीं, ये इंजन है, न्यू इंजन है यार, अभी 2020 मॉडल है ये गाड़ी। लाइट तो 7 दिन से आ ही रही थी, एक सुबह स्टार्टिंग में कह रहे थे रोकर आवाज कर रहे हैं कड़कड़ कड़कड़ का, तो इसका मतलब ऑयल का इशू है, कुछ कुछ ना कुछ इशू है। और ऐसे में इंजन का नाश होना है, पहले रोकर आवाज करते हैं फिर पिस्टन आवाज करते हैं। तो बता रहे थे रोकर रोकर का भी आवाज है, पहले ऑयल को चेक करो पहला स्टेप। इधर दिखाओ, हाथ पे दिखाओ, बिल्कुल ऑयल है ही नहीं, खत्म है, बिल्कुल ऑयल नहीं है। ऊपर दिखा लो कैमरा, ऑयल बिल्कुल ही नहीं है। तो जैक लगाओ इस साइड में, देखो ऑयल खाई है का इंजन ने या फिर ऑयल कहीं से लीकेज है, बताओ। 6-6, 7-7 दिन वेट करेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा इस ऐसे सब प्रॉब्लम के लिए। इसको वेट नहीं करना, तुरंत उतर के चेक करना क्या प्रॉब्लम है, बस बस। तो भाई ये ऑयल लीकेज है जिसकी वजह से ऑयल खत्म हो गया, और ऑयल लीक का ये देख सकते हैं यहाँ, एक क्या लीकेज है, ऑयल फिल्टर लीकेज है, और जिसकी वजह से पूरा ये सन रहा है, सारा ऑयल ऑयल सन रहा है, देख सकते हैं पूरा, इधर सूखा है, इधर ऑयल 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 पूरा ये रखा हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम यही है, ये लीकेज है। लीकेज की वजह से यहाँ लीकेज होता है, और गाड़ी चलती है तो एयर लगता है पूरा फैलता है इधर, तो ये सारे फैला हुआ है, इधर लीकेज है इधर फैल रहा है, और ये लीकेज है ये रहा है, इसकी वजह से तेल कम हुए हैं। तो पहले तो फॉल्ट हमें दिख गया कि तेल की वजह से वो ऑयल की लाइट आ रही है, ठीक है। अब लीकेज चेक करते हैं कि लीकेज क्यों है, आखिर क्या कमी है, फिल्टर ही खराब है मुझे लग रहा है, फिल्टर की किनारी से लीकेज आ रहा है। अब होता क्या था, राइट काटते थे तो ऑयल सम्प में थोड़ा सा ऑयल बच रहा है, बिल्कुल जरा सा 1 लीटर या आधा लीटर बच रहा होगा। राइट काटते थे तो ऑयल सारा एक तरफ हो जाता था, स्टैंडर को ऑयल नहीं मिलता था, लाइट जल जाती थी। लेफ्ट काटते थे तो ऑयल सारा इधर हो जाता था, स्टैंडर को ऑयल नहीं मिलता था, लाइट जल जाती थी। तो लाइट का तो इशू आपका ऑयल का था और लीकेज,
इसकी वजह से जो सुबह का रोकर का साउंड है वो इसकी वजह से कर सकता है, ठीक है। तो हम इसका कंप्लीट सर्विस करने वाले हैं और जो लीकेज है वो कन्फर्म करेंगे, ऑयल फिल्टर से ही है वो लीकेज, वो चेंज करेंगे तो लीकेज हो जाएगा। तो पहले इसका कंप्लीट सर्विस करो, रवि खोलो जरा फटाफट फटाफट, एक नंबर का सर्विसिंग मारो इसका। बाहर निकालो ऑयल को, सारे को बाहर निकालो। गोटी कैसे गिरा रखे हो, ये ऑयल निकला इतना? अबे भाई ये ऑयल निकला है, ओए मतलब ये कितना होगा रवि तुम्हारे हिसाब से? तो सर 250 ग्राम होगा। 250 ग्राम होगा तो यार ये 250 ग्राम इंजन ऑयल निकला है, है? और ये क्या कहानी है इसकी ऑयल फिल्टर की, कैसा खुला कैसा है? उसका ही स्लिप था, ये खुलने में दिक्कत नहीं थी। अच्छा तो ये खराब है ऑयल फिल्टर जिसकी वजह से ऐसे दिक्कतें आई हैं। सारा सर्विस खोल दो A to Z, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, जितने भी फिल्टर सिल्टर सारे हटाओ इसे। स्पार्क प्लग 20,000 पे चेंज करना पड़ता, बाकी गाड़ी 30,000 से प्लस चल गई है। स्पार्क प्लग भी मुझे रस्टी लग रहा था तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये कौन सा स्पार्क प्लग है भाई? ये 10 CXF 10 का है, तो मैं लेके आया BS6 Radeon G के 10ED, ठीक है, NGK का है। और इसका भाई रेट हो गया हाई, तो इसको हटाओ साइड में, स्पार्क प्लग का गैप जरूरी है चेक करना, ठीक है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ आराम से, इसको ऐसे ऐसे बस नीचे तक पहुँचा दो। तुम स्पार्क प्लग को फटाक से कसो, चलो ऑयल फिल्टर दो, ऑयल फिल्टर MGP का डालने वाले हैं, रेफर को फेंको साइड को, माल ओरिजिनल होना चाहिए, दिखाओ इधर, सुजुकी होना चाहिए पार्ट पे, अरे सुजुकी भी है तभी भी लोकलिटी आइटम आ रहा है आजकल, क्या कर सकते हैं। हटो जरा रवि, इधर आओ, थोड़ा सा पुराना तेल ही लगा लिया इस पर ताकि स्लिप ना करे, रबड़ के आइटम है। टाइट कर दिया मैंने फिल्टर, लेकिन क्या होता है ना, ये आगे का हिस्सा है और आगे से पत्थर उछलता है तो इसी पे लगता है टन टन, तो ये लीक करेगा, ये लीक करेगा तो ये पे इस पे जाएगा ऑयल, इस पे पूरा भरेगा। तो ठीक है ऑयल फिल्टर लगा दिया, नहीं हटो चलो भाई, मैं इंजन ऑयल यूज करने वाला तो मैं 10-40 हूँ इसमें, इस गाड़ी के लिए बेस्ट इंजन ऑयल है, क्योंकि इसमें आ गई आवाज़, दिखाओ आवाज़ आ गई है, ये दिखाओ, होल्ड करो, कैस्ट्रोल है, ठीक है। तो इधर दिखा लो, आवाज आ गई है इंजन में, तो इसलिए हम जब अब डालेंगे 0W20 ना, ऑयल खाना शुरू कर देगी और फिर कस्टमर कहेगा यार मेरी गाड़ी ऑयल कैसे खा रही है, नई गाड़ी इन्होंने नाश कर ली है, ये 10-40 है कवर कर लेगा, मेटल को घिसने नहीं देगा इससे ज़्यादा। इधर दिखाओ, अरे देखो इसी में घुसा है ना, ऑटो 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 ऑटो, मेरे को डालने दो, चम्बन टाइट है भाई, अभी इधर दिखाओ, है डालते हुए भी दिखा दो दूर से, अरे है फिर पास में ले गया ना, ये 10-40 है भाई, बेस्ट इंजन ऑयल है। ब्रेक वरेक दिखाओ जरा, ब्रेक भी खुला हुआ है, दिखा लो लोगों को, जब तक इधर का भी ब्रेक, इधर का भी, लेफ्ट साइड का भी लेके आओ, ये सारा हल्के वाला मामला मत समझना, मतलब प्रॉपर सर्विस हो रही है, एक नंबर की। 250 ग्राम इंजन ऑयल देखते हम मिल गए हमका, मुझे लग रहा है कि अब इंजन CG हो गया है, ऐसा लगा कि बस अब तो गया इंजन भाई, अब बचेगा नहीं इंजन, जो कंडीशन देखी ना हमने, मुझे लगा इंजन ही ख़त्म हो गया इसका, तो भाई छोटी सी लापरवाही और इंजन ख़त्म हो जाए यार, बहुत गलत बात है ना, तो इसीलिए ये सब तरीका दिखा रहे हैं ताकि आपका इंजन भी ना सीज हो जाए, हैं। चलो यार, कस्टमर वस्टमर नहीं है कि हल्के में ले रहे हो यार, कस्टमर चले गए हैं गाड़ी छोड़ के, और उनके ये सारे मामला सेट चल रहा है, अभी सफाई हुआ है इसका ब्रेकों का, उधर का भी अभी सफाई करो, हैंड ब्रेक खींचो जरा, क्या कहानी है, हल्के में मत लेना, तरीके से सर्विस हो रही है, ये आधे घंटे वाला ना थूकला, छोड़ो खींचो, छोड़ो खींचो, छोड़ो खींचो, बहुत मजा आ गया, छोड़ो बस, उधर का भी सारे साफ करो, एक एक नट बोल्ट चिमटे का सोकर का सारे चीज़ चेक करो, AC फिल्टर दिखाओ जरा, ये भी हल्के में, हल्के वाली कहानी ना, सारी खुली पड़ी है, हाँ जी इधर दिखा लो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, चलो
और तुम एक एक पॉइंट को बैटरी वाटर वाइपर वाइपर चला के दिखाओ, देख ले सब, चेक कराओ, पब्लिक को भी देखना जरूरी है ना यार, सर्विस कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है भाई, दिखाओ जा, ए दिखाओ लाइट बिल्कुल, इधर आ जाओ, सारी चीज दिखाओ, बिल्कुल बस करो, बस करो, चलो एक बार और, बस बाबा ठीक है, और बैटरी वाटर चेक करो, सारे चीज एक एक चीज हटाओ इसे जरा, वाइपर पानी बैटरी वाटर सब तो ऐसे, सारी लाइटें उसको ऐसे अलाइनमेंट, गाड़ी की धुलाई, ये सारा हमारा प्रोसेस चलेगा, यानी फुल्ली चेकअप, ठीक है। सर्विस चार्ज भाई 1000 रुपये सीधा सीधा है, मतलब वो वाला हल्के वाला काम ना, 600 वाला कट कर दो, बाकी स्टार्ट करके तैयार करके देखते हैं। गाड़ी तो हो गई डन, लेता हूँ उसका रोड टेस्ट, उसके बाद से दिखाते हैं, आ जाओ। अब सही है, मैंने क्योंकि दुकान से निकलते ही जो ना लाइट जल जाती थी उसका, पर अभी सही है, काफी मैंने चलाया गाड़ी भी, अभी बच गया यार। कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो भाई मैं एक चीज कहूंगा भाई, बस लाइट आते के साथ ही गाड़ी वहीं रोक लेना, वरना जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन खुल सकते हैं, और बहुत सारे इंजन मैं खोलता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नई नई गाड़ियों को भी इंजन खोलता रहता हूँ मैं, एक अभी ब्लॉक फट गया था एक गाड़ी का है, तो कभी भी ऐसी लाइटें आए तो भाई गाड़ी को वहीं रोक दो, कम से कम ऑयल तो आप चेक कर सकते हो, इंजन लीकेज तो चेक कर सकते हो, नीचे से बताओ कितने दिन से वो लीकेज चल रहा था, तो आप लीकेज और ऑयल चेक करके अपनी गाड़ी को खुद केयर कर सकते हो, बचा सकते हो। ऐसा कंडीशन में गाड़ी बिल्कुल सेट है, अभी कोई लाइट नहीं, और जो सुबह का मॉर्निंग का किचकिच का साउंड जो आता था रोकरो से, वो भी अब आने का नहीं, क्यों बच गया बस, हमने तो मान के चलो बड़ी केयरफुली देख ही लिया, बस कहानी बची गई, वरना वो तो हल्के में ले रहे थे यार, कभी कभी तो आ रही है, चलने पे ही आ रही है, कोई रेगुलर कोई आ रही है, रुक के कोई आ रही है, गाड़ी खड़ी तो ऐसा चक्कर है, हो जाता है कई बार, बाकी मैं पूरी तसल्ली क्या करना है यार, वो प्रॉब्लम दिख जाती है, कोई कमी बेसी रहती है ना तो वो दिख जाती है, मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको बाहर का मूवमेंट भी दिखेगा कि मैं चला ही रहा हूँ गाड़ी, खड़ी गाड़ी ना कर रहा हूँ। और स्मूथ भी बनाया मैंने, स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल ये सारे क्लीन प्लीन किए, एक नंबर की सर्विस की इसकी, सर्विसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लाइट पाइट क्या हर चीज, नहीं तो यहाँ इस मोड पे आई थी लाइट, तो आती जाती रहती है, तो ये सब डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट जो है ना, और वो भी रेड कलर की हो, तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए भाई, नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है गाड़ी के साथ, धोखा हो सकता है, तो आप कभी भी ऐसा नज़रअंदाज मत कीजिए। और इस पर एक पार्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं हो सकेगा तो इसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाए तो उसको विजिट कर सकते हैं, कि ये लाइट आने के बाद हम क्या करें और क्या क्या हो सकता है, यदि ये लाइट आ भी रही है तो क्या क्या हो सकता है, सारी पूरी डिटेल में बताया मैंने। भाई ये है कस्टमर तो इनकी गाड़ी का कितने दिन से लाइट आ रही थी, लाइट करीब आ रही थी 15 से 20 दिनों से, 15 से 20 दिनों से हल्का हल्का लाइट आ रही है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये आप चेक क्यों नहीं किया कुछ भी, नहीं चेक इसलिए नहीं किया कि जब टर्न करते गाड़ी को तो तभी लाइट आता है, वरना कंटिन्यूस लाइट नहीं आ रहा था। अच्छा तो टर्न करते थे गाड़ी को तभी आता था, आपने देखा भी प्रॉब्लम भी, तो लेकिन वो तो बच गया ही लास्ट हाँ, बस समय पे डॉक्टर के पास दिखा लिया तो बच गया। और मेन चीज थी बचने का, अभी मेरे को मालूम पड़ा ये भैया इतनी जबरदस्त गाड़ी चलाते है, इतना स्लोली, मतलब पूछिए मत, इतनी स्लोली गाड़ी है, थोड़ा कम रनिंग थी इसलिए बच गया, वरना सही से ये खेल खत्म हो जाता, किसी और के हाथ में रहती है, एक दिन में खराब कर देता पूरा, पर बच गया, मतलब इनकी हल्की तसल्ली से गाड़ी चलाते हैं इसलिए बाकी जो लापरवाही हुई थी उससे तो इंजन सीज ही हो जाना था, पर इन्होंने गाड़ी मेरे को बताया अभी कि मैं बहुत स्लो गाड़ी चलाता हूँ और थोड़ा एक्सीलेट बहुत कम करता हूँ, तो एक कारण यही रहा कि इंजन फिलहाल बच गया, और मैंने एक नंबर की सर्विस भी बना दी,
और ओरिजिनल सामान भी सारे कैस्ट्रोल के डाले, पर कई बार हो जाता है छोटा छोटा तो ऐसे सर लाइट आ जाए कभी, तो तुरंत ही गेज निकाल के चेक करो एक बार। हाँ ये तो बहुत लेट हो गया सर, इतने में तो हो जाता है काम इंजन का, बच गया। रूटीन चेकअप जरूरी है सर्विस से पहले। हाँ घर पे सर्विस से पहले रूटीन चेकअप जरूरी है। तो इन्हीं के सर का गाड़ी थी पर बच गया, मतलब अभी मैंने चला के लेके गाड़ी काफी अच्छी है और बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं है।